नमस्कार, जय माता दी। मित्रों, ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, आज नीम के पौधे के बारे में बता रही हूँ, नीम के पत्ते और नीम के बीज। ना, मैं स्वास्थ्य की बात नहीं कर रही। स्वास्थ्य के लिए तो यह हमारी धरती पर अमृत है। आयुर्वेदिक इसके इतने उपाय हैं कि सुनते सुनते रात हो जाए, परंतु नीम के गुण कम ना हो। परंतु आज मैं बात कर रही हूँ इसके ज्योतिषीय उपाय की। नीम के बीज से आप क्या महा उपाय कर सकते हैं, क्या तांत्रिक उपाय कर सकते हैं कि रातों रात आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। जी हाँ मित्रों, लाखों नहीं करोड़ों में खेलोगे, करोड़ों नहीं अरबों में खेलोगे। जितने पैसे की इच्छा है तुम्हारे मन में, वह पैसा सामने आएगा तुम्हारे। जो कर्ज है तुम्हारे सर पर, जितने धनराशि की कर्ज है, उतनी धनराशि का कर्ज समाप्त होगा। आपको अपने किसी विशेष उद्देश्य के लिए जितने धनराशि की आवश्यकता है, यदि आपको घर खरीदना है और एक निश्चित धनराशि की आवश्यकता है, तब आज आपको एक महा उपाय बता रही हूँ। आपको उतनी धनराशि प्राप्त करने में आप सक्षम हो जाएंगे। अद्भुत है, दिव्य है ये नीम का पेड़। हमारे संसार में स्वयं माता का निवास होता है, इसमें स्वयं श्री हरि विष्णु का निवास होता है। आज जो दिव्य प्रयोग बताने जा रही हूँ, ध्यान से पूरे वीडियो को सुनिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, जल्दबाजी में मत देखिएगा। आपका निकाला गया थोड़ा सा वक्त, 5-7 मिनट का समय, आपकी किस्मत को बदलने में आपकी सहायता कर सकता है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, जैसे देवों में ब्रह्मा विष्णु और महेश को त्रिदेव कहते हैं, उसी तरह पेड़ों में पीपल, बर और नीम, ये तीन मिलाकर त्रिवेणी बनते हैं। नीम के बिना त्रिवेणी का निर्माण नहीं हो सकता। साक्षात माँ दुर्गा का निवास होता है नीम के पेड़ में, इसीलिए इसकी पत्तियाँ किसी की जान को भी बचा सकती है। यदि कितनी भी बड़ी संकट, कितनी बड़ी बीमारी, किसी सांप ने काट लिया या कैसे भी जहर का असर क्यों ना हो आपके शरीर में, नीम के बीज, नीम के पत्तियों का ऐसा औषधीय प्रयोग है कि वह आपके प्राण तक बचा लेते हैं। खास बात इस पेड़ में नहीं है, साक्षात माँ दुर्गा वास करती है इसमें। तो समझ जाइए कि ये पेड़ कितना शक्तिशाली है, कितना अद्भुत है और क्या क्या कर सकता है। मित्रों, नवरात्रि में 9 दिन नीम के पत्ते को चबाने का भी प्रचलन है। इसके पीछे भी मान्यता है कि नीम के पत्ते से थोड़ा थोड़ा जल माँ दुर्गा को स्वतः ही सालों भर अर्पण होता रहता है, इसीलिए नीम के पेड़ में जल देने का भी प्रावधान है। वह जल सीधे माँ दुर्गा के चरणों में गिरता है। नवरात्रि को जो जौ बोया जाता है, जिस पर कलश रखते हैं, नीम के पौधे से ही, के पत्तों से एक बंच बनाया जाता है और उसी से थोड़ा थोड़ा जल का छिड़काव किया जाता है उस जौ पर, ताकि वह प्रफुल्लित हो जाए, कलश के चारों ओर अच्छे से उग जाए। देखा जाए तो आध्यात्मिक, धार्मिक और प्राकृतिक रूप से भी नीम का बहुत अधिक महत्व है। इसीलिए पुराने शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि अपने आंगन में एक नीम का वृक्ष अवश्य लगाएं। और पहले के ज़माने में आपने देखा भी होगा कि हर आंगन में एक छोटा ही सही नीम का पेड़ अवश्य होता था। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में नीम के पेड़ को शनि ग्रह से जोड़ा जाता है। कहते हैं आंगन में नीम का वृक्ष हो और उसका छांव जिस मनुष्य पर पड़ती हो, घर के किसी भी सदस्य को शनि की साड़ी साती, शनि की ढैया नहीं सताती है, और इतना भी नहीं सताती है कि कभी उसके प्राण चले जाएं। इसीलिए आंगन में नीम का वृक्ष अवश्य लगाया जाता था। वैसे भी घर में नीम का वृक्ष हो तो सांप, बिच्छू या कोई भी जहरीली चीज़ आपके घर में कदम नहीं रखेगी। नीम के वृक्ष को राहु और केतु को कष्ट, उनके कष्ट को कम करने से भी जोड़ा जाता है। कई राहु और केतु के ऐसे उपाय हैं जिनमें नीम के पत्ते, नीम की डाल, नीम की तना, नीम के बीज का प्रयोग किया जाता है। अर्थात इसका सीधा संबंध शनि, राहु और केतु से होता है। मित्रों, नीम के पेड़ में माँ शीतला और माँ दुर्गा दोनों की पूजा की जाती है। माँ शीतला की पूजा, यदि किसी को चिकन पॉक्स हो जाता है और बहुत अधिक जलन होती है, जिसे चेचक कहते हैं, तब भी माँ नीम के पेड़ की पूजा होती है। माँ शीतला की पूजा, शीतली देवी की पूजा नीम के पेड़ की जड़ में होती है।
नीम के पत्ते से हवा दी जाती है पेशेंट को और उसे सच में बहुत राहत मिलती है। माँ दुर्गा का साक्षात रूप है ये नीम का पेड़। यदि शनि देव किसी को बहुत अधिक पीड़ा दे रहे हैं, आपकी कुंडली में ही शनि की साढ़े साती समाप्त नहीं होती कि फिर चढ़ जाती है, तो आपको कोई महंगा रत्न पहनने की आवश्यकता नहीं। आप नीम के पेड़ की लकड़ी से हवन किया जाता है जब शनि शांति के लिए, तो वो चार गुना अधिक असरदार होता है। आपको शनि नहीं सताएगा, शनि से जुड़ा कष्ट नहीं सताएगा। यदि आपका कहीं भी मन नहीं लगता है, हमेशा दुर्घटना होने का डर सताता है आपको मन में, आधी रात को आप भय से उठ जाते हैं, यदि कर्ज में डूबे हैं आप जहां भी धन लगाते हैं वह धन डूब जाता है। यदि कोई लगातार आपको धमकियां दे रहा है या नहीं भी धमकी दे रहा, तो आपको ऐसा भीतर ही भीतर डर सताता है, तब भी नीम का प्रयोग किया जाएगा आपकी इस समस्या का समाधान के लिए। आप नीम के पेड़ की लकड़ी से छोटी छोटी काट कर उसकी एक सुंदर माला बना लें, 108 लकड़ियों के टुकड़े हो अर्थात मोतियों के टुकड़े हो, और आप किसी भी शनिदेव के मंदिर जाएं और वहां इसे अर्पण कर दें चरणों में, और उनके बीज मंत्र ओम सन सनिश्चराय नमः का 108 बार जप करें। विधि विधान से शनिदेव की पूजा करें और उसी मंदिर में इस माला को 24 घंटे या 3 दिनों के लिए अपने गले में धारण कर लें। शनि नहीं सताएगा आपको, रोग मुक्त होंगे आप, कर्ज से मुक्ति मिलेगी और धन बरसेगा आप पर। आज मैं आपको नीम की लकड़ी और नीम के बीज का एक ऐसा गुप्त प्रयोग बताने जा रही हूँ जो प्राचीन शास्त्रों से लिया गया है। यह कभी भी फेल नहीं होता है या कभी भी असफल नहीं होता। आप किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन नीम की एक लकड़ी ले लें और उसे कुरेद कर श्री यंत्र का रूप दे दें। ये कोई साधारण श्री यंत्र नहीं होगा, साक्षात माँ लक्ष्मी का एक रूप होगा, एक प्रारूप होगा। वैसे भी कहते हैं यदि नीम के वृक्ष के लकड़ी से श्रीयंत्र बनाया जाए, तब आपको किसी अन्य जाप किया हुआ श्रीयंत्र की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस श्रीयंत्र के साथ आप 7 नीम के बीज, जो बड़ी आसानी से नीम के पेड़ के पास आपको मिल जाएंगे, ये आप तोड़ भी सकते हैं, और टूटा हुआ यदि गिरा हुआ है तो आप इसे भी उठाकर धोकर साफ कर सकते हैं। इस श्रीयंत्र और 7 बीज को एक साथ एक लाल कपड़े में बांधकर यदि आप अपने घर की तिजोरी में स्थापित कर दें और नित्य प्रति इसे धूप दिया दिखाएं, पूजा पाठ करें, तो मैं क्या कहूँ कि आप लाखों नहीं, आप करोड़ों में खेलेंगे। जो भी धन से जुड़ी समस्या होगी आपको, आपके परिवार को, वह आसानी से सॉल्व हो जाएगी। जितने धन की आवश्यकता होगी उतना धन आएगा आपको। यदि एक निश्चित अमाउंट से कर्ज से आप डूबे हैं, तो कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, तो अवश्य करें और मुझे भी बताएं अपना अनुभव।